नो, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो कि CBSE HBSE बोर्ड के ऑल मल्टी चॉइस क्वेश्चन को जो सेशन 2023-24 के लिए जो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर CBSE HBSE ने जारी किए हैं उनके सभी MCQ इसके अंदर है। आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ एक्स रेज इन द वैक्यूम। तो एक्स रेज क्या है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको याद भी कर सकते हो MIVUXY से सात होती है ये। तो कोई भी आपकी दी गई हो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी गई है, अगर आपसे वैक्यूम में पूछता है, कहाँ पूछता है, वैक्यूम के अंदर पूछता है, ये वैक्यूम के अंदर है, तो याद रखिए सभी की क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट सी होती है। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू पूछ लिए तो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ठीक हो क्या है, बी विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द माइक्रोवेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद फ्रीक्वेंसी इन द रेंज। तो माइक्रोवेव होती है कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करती है, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन क्या होती है, ये आपकी 10⁹ अगर हम बात करें तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है आपकी 10⁹ to 1000 GHz तक होती है, ये इसकी रेंज होती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 GHz क्या होता है, 1 GHz होता है, ये 10⁹ के बराबर होता है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे GHz में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर क्या है आपका, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसन। तो डायग्नोस्टिक टूल यानी बीमारी का पता लगाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो आपको पता है देखिए इसके अंदर से कौन सी यूज़ करते हैं आप, हम कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है भैया, हम क्या करते हैं मेडिसन टूल के रूप में हम एक्स रेज को यूज़ करते हैं बोन फ्रैक्चर के लिए। तो हमारा आंसर क्या है इसके अंदर, एक्सरे, हड्डी क्रैक हो जाती है शरीर का कोई पार्ट का, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे कराना पड़ता है पहले। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है क्या, मैंने आपको पीछे बताया था, ये करंट वो होता है जब सर्किट के अंदर ये कम्स इन टू रीजन, जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये इसका फार्मूला होता है, IDC से इसको दिखाते हैं, IDC से दिखाते हैं। तो यहाँ पे चेंजिंग कौन है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग जो मैंने लिखा है φe, ये φe जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग कौन सा ऑप्शन आपका, पहले वाला ऑप्शन है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द डायग्राम बिलो शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट सर्टेन टाइम एंड लोकेशन। ये देखिए आपका दिया गया है, तो इसके अंदर आपको देखिए चार ऑप्शन दिए गए, आपको ये बताना है इसको देख के डायग्राम को कि आपकी डायरेक्शन जो प्रोपेगेशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए डायग्राम से ई नीचे की तरफ बी सामने है, दोनों परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ई एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और प्रोपेगेशन क्या होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, आउट ऑफ पेपर होगा, तो आपका जो आंसर होगा इसके अंदर ए विल बी द राइट आंसर, यानी परपेंडिकुलर टू ई एंड बी एंड आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ये इसका क्या है राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये HBSE सैम्पल पेपर में दिया गया है, आपको देखनी है कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर ठीक नहीं है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, दिस वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है, यानी हमारी पहली स्टेटमेंट ठीक है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम,
हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है आपका और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है दोनों मैक्सिमम मिनिमा सेम टाइम पे एक्वायर करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिवाइड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल इक्वल डिवाइड होती है आपकी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में, ये आपकी जैसे हमारा ही पता है जो इलेक्ट्रोस्टेटिक की फॉर्म की एनर्जी की फॉर्म में जो होगी उसको हम क्या लिखते हैं, ये होता आपका ये कितनी होती है आपकी, ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की फॉर्म में होती है। और जो आपकी इसको हमें जो इसको ये लिख सकते हैं ई लिख लो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के लिए, और ई बी जो अगर मैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो हमारी होती है एक बटा दो बी स्क्वायर बटे में म्यू नॉट, तो ये दोनों बराबर होती है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा जो फोर्थ लास्ट स्टेटमेंट देखिए, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरल, ये रॉन्ग है। आपको पता है ये क्या होता है, ई जो होता है परपेंडिकुलर होता है बी के, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फोर्थ स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द डायग्राम बिलो शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैग्नेटिक फील्ड बी कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रो, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट सर्टेन टाइम लोकेशन बताना है। तो ये डायग्राम दिया गया है आपको, फिर से ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार ऑप्शन से आपको देख के बताना है कौन सा आपका ऑप्शन जो है ठीक है। देखिए डायरेक्शन बतानी प्रोपेगेशन, इसे पहले वाला क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सेम ऐसा ही था, तो आपको पता कौन सा ऑप्शन आएगा, परपेंडिकुलर टू ई एंड बी आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर आएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, ए विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डायग्राम अलग बना दिया, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड ने जारी की है उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से।